The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. So I ask you, as both warrior and king, how long do you think you can keep your friends safe? क्या है मार्वल स्टूडियोज का नया ट्रेंड? रिलीज हुआ फिल्म का न्यू मर्ज। दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज में लेटली न्यू गॉड्स को इंट्रोड्यूस करने का ट्रेंड काफी चल रहा है। लेटेस्ट सीरीज मून नाइट में खोंशु गॉड ऑफ द मून को इंट्रोड्यूस किया गया, वहीं थॉर लव एंड थंडर में एक पूरा प्लेथोरा ऑफ गॉड्स ही इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। तो ऐसे में ब्लैक पैंथर कैसे पीछे रह जाए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए बात करें कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में इस न्यू ट्रेंड को किस तरह से अंजाम दिया जाने वाला है। वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में। बता दें कि MCU के चलते आ रहे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर के क्रू को मर्चेंडाइज दिया गया, जिसमें इंक्लूडेड था एक हैट और एक हुडी। ये हुडी काफी स्टैंडर्ड थी और पर्पल कलर से डाइड थी। इस पर्पल कलर का सिंबोलिज्म भी फ्रेंचाइज के कलर मोटिव से मैच करने का है। हुडी के फ्रंट में मार्वल स्टूडियोज का लोगो और ब्लैक पैंथर सीक्वल का सबटाइटल एम्बेडेड है। हुडी के बैक में वकांडन भाषा में वकांडा फॉरएवर लिखा हुआ है। हालांकि इस हुडी से ज्यादा इंटरेस्ट ऑडियंस ने हैट में दिखाया। दरअसल ये हैट एस्टेक आइकोनोग्राफी से एम्बॉर्डर्ड है। हैट पर एक जगुआर जैसी फिगर बनी हुई है और उसमें येलो फर नजर आ रहे हैं, जो कि एस्टेक गॉड ऑफ डार्कन केव्स, अर्थक्वेक्स, एकोस और जगुआर्स को सिंबलाइज करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस हैट से मार्वल स्टूडियोज ने दो फैक्ट एस्टैब्लिश किए हैं। सबसे पहला तो ये कि इस मूवी में भी न्यू गॉड्स को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, और दूसरा ये कि अब की बार मूवी में एस्टेक कल्चर की प्रेजेंस काफी डोमिनेंट होने वाली है। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।